क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाओ। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ ना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। लड़कियां कितनी है? 812 है। अब देखो जिसकी संख्या हो परसेंटेज भी उसी का होना चाहिए। तो संख्या तो इसने हमें किसकी दी है? लड़कियों की। और परसेंटेज दिया है लड़कों का। परसेंटेज किसका दिया है और संख्या किसकी दी है? लड़कियों की। तो जिसकी संख्या होती है परसेंटेज भी उसी का होना चाहिए। तो संख्या हमारे पास लड़कियों की है और लड़के कितने हैं? 60% हैं। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40%, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ टोटल 100 होती है। तो 100 में से 60% तो आपके क्या होंगे? लड़के होंगे। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40%। तो इसे हम 40% के बराबर रख लेंगे। अच्छा, बराबर रखने के बाद फिर जो ये हमसे पूछता वो निकालेंगे। तो कह रहा विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बूझ रहा है। किसकी संख्या बूझ रहा है? तो लड़के कितने परसेंट है? यहाँ 60% है। तो 60% की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी? 60% की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप एक काम करें, ये तो हो गया एक, क्योंकि बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 20 3 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12। अब इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 6 18 और 3 चौक 12, तो 12 18। ठीक है, तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था। आ जाएंगे 90वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो 90 में क्या है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। हर साल आबादी 20% घट जाती है। ठीक है, आगे बोला गया है यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी। पूर्व माने पहले, देखो 2 साल पहले आबादी जो थी वो 10,000 थी। कितने हजार थी? 10,000 थी। और हर साल आबादी जो है 20% घट जाती है, तो वर्तमान आबादी बूझ रहा है। तो कुछ ना करना, देखो 2 साल पहले 10,000 थी, तो हर साल 20% घट रही है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 2,000, क्योंकि इसका 10% 1,000 होगा। जिसका भी 10% निकालना होता, लास्ट की 0 हटा दो। अब हमें जैसे 20% निकालना है, तो 10% निकाल के उसका डबल कर दो, तो इसका 10% तो 1,000 हो गया, और 20% 1,000 का डबल 2,000, तो 2,000 इसमें से आप हटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा? ये 8,000 बचेगा। अब इस साल भी तो 20% घटेगी जनसंख्या इसकी, तो इसका 10% तो 800 हो गया, तो 20% 800 का डबल हो जाएगा, तो 800 का डबल कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। तो इसमें से घटा दो आप 0 0, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, तो अब उसकी वर्तमान जनसंख्या 6400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6400 हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 91। अब देखो 91 भी तो ऐसा ही है, देख लो आप एक बार। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो भाई हर बार 3 बार 10% निकाल के जोड़ना है। 3 बार 10% निकाल के तो जोड़ना होगा आप लोगों को। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो 92 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। देखो क्वेश्चन क्या है, 92 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें इसने हमें क्या दिया है पहले वो देखते हैं। इसने कहा है एक नगर की जनसंख्या 311,250 है। तो नगर की जनसंख्या दे दी इसने हमें 311,250, और इसने कहा है उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। स्त्री और पुरुष का अनुपात भी दे दिया, वोमेन और मैन, वोमेन और मैन। और अनुपात कितना दे दिया है इसने? 43:40 दिया है। ठीक है, अच्छा, और किसी का इसने जिक्र किया नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टोटल जनसंख्या है पुरुष और स्त्रियों की ही है, 311,250। अब जैसे हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, तो इसमें ये गया है यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो। पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं? 24% हैं, और स्त्रियाँ जो हैं वो 8% हैं। तो ये कह रहा है उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। तो आपको कुछ ना करना, ये पता लगा लो कितने पुरुष साक्षर हैं, और ये पता लगा लो कितनी स्त्रियां साक्षर हैं, और उन्हें जोड़ दो। पर उसका पता दो तुम तभी लगाओगे जब तुम्हें यह पता हो कि इस नगर में स्त्रियां हैं कितनी और इस नगर में पुरुष हैं कितने। तो पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं। तो वो कैसे निकलेगा? इसने हमें टोटल जनसंख्या दी है, तो आप भी टोटल कर लो, आप भी क्या कर लो? टोटल कर लो और उसके बराबर रख देंगे। तो हमारा टोटल कितना बैठ रहा है? 683 कितना बैठ रहा है, और किताब वाले का टोटल कितना उसने दिया है? 311,250 से भाग कर लो, 83 से भाग कर दो, 3750। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं? देखो पूरे मैथ में ये होगा, बराबर रखोगे तो एक ही निकालोगे, और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 83 से ये 3750 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा?
3750 बार। अब उसके बाद ये पता लगाओ कि स्त्रियां कितनी है, तो स्त्रियों की वैल्यू कितनी है 43, तो दोनों तरफ 43 से गुणा कर लो, तो इसमें 43 से गुणा कर लो कितना आ रहा है, अरे करी किसी ने, और फिर पुरुष कितने हैं 40, तो दोनों तरफ 40 से भी गुणा करेंगे इसी वन वाली लाइन में, तो जीरो और एक जीरो ये 40 वाली, चार पंजे 20 की जीरो, तो दो चार सत्तर 28 और दो 30 की जीरो, तो तीन और चार 12 और तीन कितने हो जाएंगे 15, तो पुरुष तो 15,000 है, ये कितना रहे 16 12 50, तो ये तो होगी स्त्रियां, ये कौन है स्त्रियां, और ये हो गए पुरुष, ठीक है। अब उसने बता रखा कि स्त्रियां कितने परसेंट साक्षर हैं और पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं, तो बताओ ये स्त्रियां हैं पहले, तो स्त्रियां ही बता दो कितने परसेंट साक्षर हैं, स्त्रियां जो है 16 12 50 है, 16 12 50 है, और कितने परसेंट साक्षर हैं 8% साक्षर है, तो परसेंटेज हटाने के लिए तुम्हें पता ही है 100 से भाग करते, कितने से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो इसको आप सोल्व कर लो, ये लीजिए। अब देखो 8 5 40 की जो जीरो आएगी उस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल होगी, तो हासिल हमारे 4 है, और 8 2 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो हासिल 2, और 8 8 और 2 10 की 0 तो हासिल 1, और 8 6 48 और 1 49 9 तो हासिल 4, 8 8 और 4 12, तो स्त्रियां तो हैं 12 900 साक्षर। अब देखो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है परसेंट में कितना है, ये जीरो एक फालतू तो ना लग रही इसमें, सही है 24% है, कितने परसेंट है 24% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, अब ये कितना हो जाएगा 2 0 तो आपकी पहले से ही है भैया वाली, और 15 4 60 की जीरो तो हासिल 6, 15 2 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये पुरुष साक्षर है ये स्त्रिया साक्षर है, उसने कुल साक्षर बूझे तो जोड़ दो, है ना, तो जोड़ेंगे जैसे ही हम, तो ये 0 0 9 6 2 8 और 3 और 1 4, तो 48 900 आ जाएगा, है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में बस पूछना था, पहले स्त्रियों की संख्या निकाली, पुरुषों की संख्या निकाली, उनमें जितने जितने साक्षर है वो निकाल के जोड़ दिया, ठीक है भाई। हाँ चलो अब देखो 93 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा आगे भी वो बहुत बार कॉन्सेप्ट लगेगा, आज पहली बार लग रहा है जब से ये किताब शुरू हुई है पहली बार ये कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं हम, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा 93 क्वेश्चन को। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कहा गया है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, जनसंख्या कितनी है 15,000 जनसंख्या है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, पुरुष तो 8% बढ़ गए और स्त्रियां 10% बढ़ गई, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, जनसंख्या कितनी हो जाएगी 16,300 हो जाएगी, ठीक है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ दिक्कत ये है, उसने हमसे ये कह दिया कि नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है 15,000 है, कितनी है, और इसमें स्त्री और पुरुषों का ही जिक्र है बस, तो ये टोटल स्त्री और पुरुष कितने हैं 15,000 है, और फिर उससे आगे कह रहा है कि पुरुषों में 8% की वृद्धि होगी और स्त्रियों में 10% की, और कुल जनसंख्या भी बढ़ा दी उसने 16,300 कर दी, 16,300 कर दी। तो अब देखो हमें कैसे पता चले कि पुरुष कितने बढ़े और स्त्री कितने बढ़े, जब हमें यही नहीं पता इन 15,000 में पुरुष कितने हैं, इन 15,000 में स्त्रियां कितनी हैं, जब हमें यही नहीं पता तो हम कैसे पता लगा लें कि 8% वृद्धि कितनी बैठेगी, है ना। अगर हमें ये पता हो कि इन 15,000 में पुरुष इतने हैं तो उसका 8% निकालेंगे तो पुरुषों में वृद्धि आ जाएगी, और हमें पता हो कि इन 15,000 में स्त्रियां इतनी हैं तो उसका 10% निकालेंगे तो हम बता देंगे कितनी वृद्धि है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनो, जब हमें टोटल तो पता हो पर जिनका वो टोटल है उनका अलग अलग ना पता हो, ये टोटल किसका है स्त्री और पुरुषों का ही तो है, अब हमें इनकी अलग आवश्यकता पड़ रही है कि स्त्री कितने हैं इन 15,000 में और पुरुष कितने हैं, क्योंकि तभी तो वृद्धि निकालेंगे। तो जब टोटल तो पता हो अलग अलग ना पता हो तो टोटल को ही मान लेते हैं, जिनका भी टोटल है ना वो सबको वही मान लेते हैं अलग अलग। अभी तो ये दो का ही टोटल है स्त्री और पुरुषों का, अगर बच्चे भी होते तो स्त्रियों को भी 15,000 मान लेते, बच्चों को भी 15,000 मान लेते, पुरुषों को भी 15,000 मान लेते। कब ऐसा करते हैं, जब टोटल पता हो अलग अलग हिस्से ना पता हो, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है चलिएगा। तो अब पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो हमने मान लिया टोटल पुरुष उस नगर में 15,000 हैं, कितने हजार है पुरुष, तो 15,000 का तुम 8% निकाल दो, कितने परसेंट निकाल दो, जब 8% निकालोगे तो बटे में तो सोना दोनों जीरो तो ये खत्म हो जाएंगे, तो जीरो और 15 8 तो 1200, तो पुरुष कितने बढ़ गए 1200। अच्छा स्त्री भी आप 15,000 ही मान लो, स्त्री भी आप कितनी मान लो 15,000, और स्त्रियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 10%, कि तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1500,
कितना हो जाएगा 1500। तो देखो पुरुषों में वृद्धि है हमारे पास, स्त्रियों में वृद्धि है हमारे पास, कुल वृद्धि है हमारे पास, क्योंकि पहले जनसंख्या 15000 थी, अब 16300 होगी, तो कुल वृद्धि होगी 1300। कुल वृद्धि कितनी होगी? और जब क्वेश्चन तीन जगह टूटता है तो उसमें मिश्रण लगाते हैं, ये तो मैं पहले से ही सिखा रखा है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जब क्वेश्चन तीन जगह टूटेगा तो मिश्रण लगेगा ही। जैसे मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास पुरुष हैं, स्त्री हैं और बच्चे हैं, तो अब मिश्रण नहीं लगने का। तीन जगह टूट रहा है ना क्वेश्चन, पुरुष स्त्री बच्चे, तो अब नहीं लगने का। तीन जगह कैसे टूटना चाहिए? दो हिस्से और उनका टोटल, दो हिस्से और उनका टोटल अगर तुम्हें पता है तो वहां मिश्रण लगाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पता है हमें पुरुषों में वृद्धि पता है, हमें स्त्रियों में वृद्धि पता है, हमें कुल वृद्धि पता है, क्योंकि पहले जनसंख्या 15000 थी और अब 16300 होगी है, तो कुल जनसंख्या भी 1300 बढ़ चुकी है। तो दो हिस्से और उनका टोटल अगर हमारे पास होता है तो वहां मिश्रण लगता है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो ये तो मैन है, तो मैनों में कितने की वृद्धि हुई है? 1200 की। और वोमेन में कितने की हुई है? 1500 की। और कुल वृद्धि कितने की हुई है? 1300 की। सबको समझ में आ गई? 1300 कहाँ से आया है? पहले जनसंख्या 15000 थी, अब 16300 है, तो 1300 बढ़ गए ना। चलिएगा, अब इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं। ये तुम्हें आता है, ये पहले से सिखा रखा आप लोगों को। तो कितने का अंतर है यहाँ? 200 का। कितने का अंतर है? और यहाँ कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप जो है देखो, ना तो उसने हमें इनकी संख्या दे रखी ना इनकी, पर टोटल की संख्या तो पता है हमें, तो आप भी टोटल कर लेंगे यहाँ। तो दो और एक कितना हो जाएगा? तीन। दो और एक कितना हो जाएगा? तीन। और उसने टोटल जनसंख्या कितनी दी थी? 15000। कितनी दी थी? और बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं? जो इधर उससे डिवाइड करते हैं, तो तीन से आप डिवाइड करेंगे तो तीन पंजे पंद्रह। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे तो वो स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो स्त्री एक ही है। स्त्री कितनी है? तो बस यही आंसर है। अगर पुरुषों की पूछता तो पुरुष दो हैं, तो यहाँ दो की गुणा करते तो फिर 10000 आता। कितना आता? 10000 हो जाता। कितना हो जाता? 10000। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जब टोटल तो पता हो, अलग अलग ना पता हो तो टोटल को ही मान लेते हैं सब जगह। और ये मिश्रण वाली बात तो तुम्हें पहले से सिखाते आ रही, ठीक है? चलो इससे आगे आ जाएंगे। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है 94, बिल्कुल इसके जैसा, एक बार जल्दी से पढ़ के देख लो, इसी आधार पे है वो क्वेश्चन, समझे? तो उस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, इसी आधार पे है तो आप लोग ही कर लेना, है ना? अच्छा देखो, 96 में आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के कितने परसेंट हैं, तो वहाँ लड़की कितने परसेंट होंगी? 25 होंगी। सीधी सी बात है, जब 75% लड़के हैं तो लड़कियाँ हो जाएंगी 25%। अच्छा, इसने हमें संख्या किसकी दी है, लड़कों की या लड़कियों की? तो परसेंटेज भी लड़कियों का लिया जाएगा, तो लड़कियों का परसेंटेज है 25, तो 25% बराबर 420, ठीक है? अब बूझ क्या रहा, लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने परसेंट हैं? 75, तो 25 में किसकी गुणा करके 75 आ सकता है? 3 की, 25 दिया, तो इसमें कुछ ना करना, बस 3 से गुणा करनी है दोनों तरफ, है ना? हमने बराबर रखने के बाद एक निकालना आपको सिखाया है, पर बराबर रखने के बाद पहले ये देख ले करो पूछ क्या रहा है भाई। 25% बराबर हमने 420 रख लिया ना, क्योंकि लड़कियों का परसेंटेज 25 है और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कियों का परसेंटेज बराबर लड़कियों की संख्या, पर उसके बाद ये पूछ रहा लड़के कितने, तो लड़के 75% है, और 25 में 3 की गुणा करके जब 75 आ सकता है तो हम क्यों एक निकालें, दोनों तरफ 3 से गुणा करो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये लोग, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। कौन सा? 95। अच्छा देखो, 95 भी देखो, एक गाँव में कितने परसेंट है ये? एक गाँव में 95 सुन लो ऐसे ही, एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। भाई जब 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हुए? अच्छा, अब हम उसकी परसेंटेज लेंगे जिसकी संख्या दे रखी होगी। क्वेश्चन पढ़ो, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, गांव में कुल कितने हैं, तो उनमें अशिक्षित बूझ रहा है। अरे भाई, 6600 का 70% निकाल दो बस, 6600 का कितना निकाल दो, क्योंकि 30% तो शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे, तो 6600 का बस 70% निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिएगा, अब ये संख्या वाले क्वेश्चन है, 97 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, किसी संख्या कह रहा है, तो संख्या तो माननी पड़ेगी भाई, संख्या तो माननी पड़ेगी ना। तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो हमने कहा था 100 मानना चाहिए, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो कितना मानना चाहिए, तो आप संख्या 100 मान लो, संख्या कितना मान लो, अब 100 का 62% कितना होगा, 62 ही होगा, क्योंकि 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है,
सौ का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है, तो सौ का 62% 62 और सौ का 80% 80, तो उसने सौ के 62% और 80% के बीच का अंतर दिया है, और वो अंतर कितना दिया है उसने 198, कितना दिया है 198 दिया है। अच्छा इनमें कितने का डिफरेंस है, 18 का, कितने का है, तो 18 बराबर 198। बराबर रखने के बाद जब हमने मैथ शुरू किया था तो तुमसे कहते थे एक निकाला करो, पर अब थोड़ा आगे आगे है तो बराबर रखने के बाद पहले ये देख ले करो पूछ क्या रहा है, ठीक है, एक निकालने से पहले। तो वह कह रहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर, देखो संख्या तो 100 मानी है तो 100 का 92% तो 92 ही होगा और संख्या का 56% भी 56 ही होगा के बीच अंतर बूझ रहा है, तो 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, तो 36 की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 18 में किसी की गुणा करके 36 आ सकता है, तो मत निकालो एक, दोनों तरफ दो से गुणा कर दो क्योंकि हमें 18 की 36 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये समझ में आ गया 36 कहाँ से आया है, संख्या के 92% और संख्या के 56% के बीच का अंतर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो हमें को 36 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ दो से गुणा कर दो, 18 दुनी 36 और इधर भी 8 दुनी 16, 9 दुनी 18 और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, तो 396 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आया समझ तुम लोगों को, अच्छा 98 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 में क्या है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो चार पर्सन है, कितने पर्सन है, ए बी सी और डी, ये टोटल चार पर्सन है, ठीक है, अब उसको मानेंगे क्वेश्चन में परसेंटेज है, सीधी बात है सो ही मानेंगे, जिसका जिक्र सबसे बाद में कर रहा होगा डिटेल देने में तो वो डी का कर रहा है, ये जरूरी नहीं होता कि जिसका नंबर सबसे, मतलब जो सबसे, जैसे ए बी सी डी में डी सबसे बाद में तो डी को ही मानते, डिटेल पे डिपेंड करता, जब डिटेल वो तुमको दे रहा था जानकारी तो सबसे बाद में किसका जिक्र कर रहा था, तो वो डी का जिक्र कर रहा, सी को डी की तुलना में 20% कम मिले, तो डी को मान लो, किसको मान लो, तो डी को हमने 100 मान लिया, डी को कितना मान लिया, अब सी को जो है डी से 20% कम मिले हैं, तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दो, तो 100 का 20% 20 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। अब बी और सी में देखो, बी और सी में क्या है, बी और सी में है बी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को सी से 60% अधिक मिले हैं, तो इसका 60% 48 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको ये सिखाया जिसका भी आपको 10 20 30 40 कुछ भी निकालना हो 10% निकाल के जितने गुणा होता है गुणा कर दो, तो 60% 10 का 6 गुणा होता है, तो आप इसका 10% निकाल के 6 से गुणा कर दो, और जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की जीरो हटाओ वो उसका 10% होता है, तो इसका 10% 8 हो गया, पर हमें तो 60 चाहिए ना, तो 6 गुणा होता है तो 8 छिंग 48 अधिक है ये इसमें, तो इसमें 48 जोड़ दो, हाँ 128। अब ए में और बी में रिलेशन देखो, ए को बी से 25% अधिक मिले हैं, 25 ही है ना, तो जिसका भी 25% निकालना हो 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 25% 1/4 होता है, तो कभी भी तुम्हें 25% किसी का निकालना है तो 4 से भाग कर दो, ठीक है, तो 4 3 12 और 4 2 8, तो ये इससे 32 अधिक है, कितना अधिक है, तो 32 जोड़ दो इसमें 160, तो देखो सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, हाँ आप चाहो तो कैंसिल कर लो या यहीं कर लो ऐसे ही। अब इससे पहले वाली बुक में क्या करता था, ये किसी एक के नंबर देता था अलग से, ए के बी के सी के, जिसके भी नंबर देगा उसे यहाँ से नंबर के बराबर रख देंगे, एक निकाल के जिसके बूझेगा उसके, पर इसने इस बार क्या किया है, इसने नंबर ना देके यूँ कह दिया, यदि ए को 80% अंक मिले हों, ए को कितने परसेंट अंक मिले हैं, तो पूर्णांक तो 500 था, पूर्णांक कितने का था, और ए को 80% नंबर मिले हैं, कितने परसेंट, 80% नंबर ए को मिले हैं, तो 8 5 तो ए के 400 नंबर हैं, ए के कितने नंबर हैं, और यहाँ ए के कितने नंबर हैं, 160, तो ए के नंबर बराबर ए के नंबर रख दो, ए के नंबर बराबर ए के नंबर आपको रखना होगा, तो 160 बराबर 400 हो जाएगा। अब बराबर रखने के बाद आपको पता है ये हमसे डी के बारे में पूछ रहा है, तो डी के नंबर 100 हैं, तो 16 में तो किसी की गुणा करके 100 ना आने का, तो एक निकाल के 100 निकाल दो, तो इससे ये पूर्णतः डिवाइड हो नहीं रहा, जब पूर्णतः डिवाइड ना होता तो इसे इसके नीचे लिख दो, वही एक कहलाता है, वही क्या कहलाता है, एक कहलाता है, तो एक बराबर हो जाएगा 40/16। अब एक निकालने के बाद जो निकालना है तो डी के नंबर निकालने, तो गुणा 100, ठीक है, अब 4 4 16 और 4 से ये गया 25 बार और 4 से ये गया 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, डी के नंबर है, पर वो नंबर नहीं बूझ रहा,
परसेंटेज पूछ रहा कितने परसेंट नंबर है। अब तुम परसेंटेज कैसे निकालते हो अपने नंबरों की? जैसे ट्वेल्थ में तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? जितने आए बटे जितने में से आए। तो इसके 250 आए हैं 500 में से, तो बटे 500, 250 बटे, तो ये 1/2 हो गया। और 1/2 कितने परसेंट होता है? तो 50%। कितने परसेंट आ गया भाई समझ? चलो तो नोट कर लो, नाइन्टी नाइन पे आ जाएंगे। 99 रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं, 72% जो है कितने नंबरों के बराबर है? 360 नंबरों के बराबर है 72%। ठीक है, तो अधिकतम अंक क्या है? तो अधिकतम तो 100 पे निकलेगा, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, तो 72 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है? हाँ, 5 बार। तो 1 = 5, 72 × 72, 72×5=360 हो जाएंगे। अब 100 = 500, 100 = कितना हो जाएगा? तो इधर भी 100 से गुणा कर लो आप, और इधर भी 100 से गुणा कर लो, तो ये आपका 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 पे। कितने पे? 100 पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें बोला गया किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। संख्या अपने आप में 100% होती है, पर किसी संख्या में जैसे ही तुमने 38 जोड़ा ना तो वो 119% हो गई। तो 100% से कितने ज़्यादा हो गई? तो ये 100% से जितना ज़्यादा हुई है ये परसेंटेज उसके बराबर है जितना आपने संख्या में जोड़ा। तो आपने 38 जोड़ा तो 19% = 38 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ये चेक कर लो पूछ क्या रहा है। तो संख्या क्या है? तो संख्या तो 100 पे निकलेगी, तो भाई 19 में तो गुणा करके 100 ना आने का, पर हमें इतना पता है 19 = 19 और 19 × 38, तो 100 × 200, संख्या 100 पे निकलेगी ना, तो इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, तो 200 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 101 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 101। अब 101 में क्या है? दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से, टोटल तीन संख्या हैं। टोटल कितनी संख्याएँ हैं? तीन संख्याएँ हैं। ठीक है, और इसमें यह कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। 40% और कितने परसेंट कम है? तो पहली वाली तो 40% कम है तीसरी से, और दूसरी वाली 50%। तो तीसरी को आप 100 मान लो, तीसरी को आप कितना मान लो, और ये 40% कम है, तो 100 का 40%, तो 40 से कम के लिए घटाते हैं, तो 100 में से 40 घटा दो तो ये 60 हो गया। और दूसरी वाली 50% कम है, तो 100 का 50, तो 50 घटाओगे तो 50 ही आ जाएगा। यहाँ सोल्व करना चाहो यहाँ कर लो, 0 कैंसिल करना चाहो 0 कर लो, पहले कैंसिल आपकी मर्जी है। आगे बोला गया है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो दूसरी और पहली में रिलेशन कह रहा है ये, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो जितने चैप्टर शुरू करा उतने सिखा दिया, वृद्धि परसेंट बूझे, कमी परसेंट बूझे, छोटा बड़ा कुछ भी परसेंट बूझे, अंतर बटे उल्टा, अंतर बटे, तो अंतर कितने का है इनमें? 10 का है। उल्टे का मतलब अगर वृद्धि बूझ रहा है तो छोटा उन दोनों में से, और कमी बूझ रहा है तो बड़ा उन दोनों में से, तो बढ़ोतरी का मतलब तो वृद्धि हो गया ना, तो बटे में छोटा आएगा या बड़ा? छोटा आएगा। तो 1/5 कितने परसेंट होता है? 20%। और किसी को अगर परसेंटेज याद नहीं है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो आपको फिर यहाँ 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1/5 × 100, तो 100 5 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया आपका। अब 102 पे आ जाओ आप, एक अन्य संख्या 102, क्वेश्चन नंबर 102। एक अन्य संख्या, एक संख्या अन्य संख्या से 25% है। एक संख्या का मतलब तो हो गया पहली संख्या, ठीक है, और अन्य संख्या का मतलब हो गया दूसरी संख्या। अन्य संख्या का मतलब क्या हो गया? तो एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो अन्य की 25 है, तो अन्य को 100 मान लो। अन्य को क्या मान लिया हमने? और इसकी ये 25% है, तो 100 का जितने परसेंट निकालते हो उतना ही, तो 25 से कम 25, और 25 का, अब देखो इसने आगे क्या दिया है, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। तो उसने उन दोनों में 12 का अंतर दिया है, तो आप भी अंतर कर लो। तो हमारा अंतर कितना? 3, और उसका अंतर कितना है? 12। तो 3 ही कम 3 और 3 चौक, तो 1 = 4 हो गया। अच्छा, अब कह रहा बड़ी संख्या क्या है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। तो 4 से 4 की वैल्यू निकाल दो, तो दोनों तरफ 4 से गुणा, 1 चौक 4 और 4 चौक
16 आपका आंसर हो गया, 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे हम। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, 103। लो जी, संख्या हमने 100 मान ली, कितनी मान ली, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 30 की। तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 130। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 25% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो फिर 25% की कमी करो, किसी का भी 25% निकालना हो तो 4 से भाग करते हैं, अभी बताया था आपको। ठीक है, तो 4 3 12 बचे कितने, 1 हो गए 10, 4 2 8 बचे कितने, 2 हो गए 20, 4 5 तो 32.5 बैठेगा इसका 25%। और ये कमी है, ये क्या है, कमी है, कमी, तो कमी को तो घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5 है, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 2, तो 12 में से 3 गए 9 है, सही हो गया माइनस है। अच्छा, अब कितने परसेंट बढ़ाई, 25%, तो अब के फिर इसका 25% निकाल के इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग कर लो, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 2 8 बचा 1, 4 4 16 बचा 1, 4 3 12 बचे 3, 4 7 28 बचे 2 हो गए 20, 4 5 20 तो 24.375। अब ये वृद्धि है इस बार, तो जोड़ना होगा, इस बार क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, और 7 और 4 11 और 9 और 2 11 और 1 12 तो कितना हो गया, 121.875। तो ये तो वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, तो वृद्धि परसेंट में क्या करते हैं, अंतर बटे छोटा, अंतर बटे, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 21.875 और बटे में क्या आएगा, छोटा, तो इन दोनों में छोटा तो 100 ही है, बटे 100 परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लगभग में 22% देगा वृद्धि, क्योंकि 21.75 में कोई सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वृद्धि ये क्या हो जाएगी आपकी, वृद्धि हो जाएगी लगभग में 22%। ठीक है भाई, चलें इससे आगे, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 104, इसमें क्या है, कोई संख्या x से 50% कम है, अरे 100 का 50% 50 कम कर दो, 50, ठीक है, फिर बोला, और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो 100 का 20% 20 और घटा दो 80। ठीक, अनुपात बोल रहा है, 5:8, इससे आगे आ जाएंगे 105, ऐसा क्वेश्चन तो करा दिया ना आप लोगों को, क्यों भाई, कर लोगे, चलो करा देते हैं 105। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 80% और 35% बड़ी हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाँ तीसरी संख्या से, तो तीसरी को हम 100 मानेंगे, तीसरी को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, तीसरी संख्या से क्रम से 80% और 35% बड़ी है, तो पहली तो 80% बड़ी है, तो 100 का 80% 80 तो 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, और दूसरी वाली कितने परसेंट बड़ी है, 35% बड़ी है, तो इसका 100 का 35% 35 ही तो होगा, तो बड़ी के लिए जोड़ देंगे तो 135। सोल्व करना चाहो कर लो या यहीं कर लो, तो इसने क्या कहा है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो उन दो संख्याओं का अनुपात बुझ रहा है आपसे, दो संख्या किसी तीसरी से, तो पहली और दूसरी का बुझ रहा है, पहली और दूसरी का आपसे ये अनुपात बुझ रहा है, तो पहले तो इन्हें पूर्ण अनुपात में लगाओ तुम, तो पूर्ण अनुपात में लगाने के लिए पहले तो इन्हें 5 से कैंसिल करो आप, तो 5 3 15 बचे कितने, 3 हो गए 30, 5 6 30। ठीक है, और 5 2 10 बचे 3, 5 7 35 और 5 से कितनी बार, 20 बार। अब इन दोनों का बुझ रहा है तो इन्हें उठा लो, अब ये कितने से कैंसिल होने, हाँ 9 से, 9 चौक और 9 3 तो 4:3, 4:3। ठीक है, चलो 106 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 106। अब 106 में क्या है, इसने कहा दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी वाली संख्या को 4% कम कर दें। देखो परसेंटेज में कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं, बड़ी वाली को 4% कम कर दें
और छोटी वाली को 12% बढ़ा दें, तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं, वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 112 हो गया। अब ऐसा होने पर उसने क्या कहा है, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तो जो संख्याएं मिली हैं वो एक समान हैं। ये लीजिए, इधर ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, कितने से कैंसिल हो रहे हैं ये, अरे कौन से पहाड़े में आते हैं ये दोनों संख्याएं, 16 में नहीं आती, 16 छिंग और 16 सत्ते, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। जब संख्या बराबर में होती है तो अनुपात में लेके आना होता है, और कैसे लाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो ये 7:6 हो गया, 7:6। अब इसने हमें इन संख्याओं का योग स्टार्टिंग में ही दे दिया था, है ना, तो आप भी योग कर लो, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और इसने योग कितना दिया है, 520 दिया है, ठीक है, तो 13 ही कम 13, और 13 चौका तो 1 = 40। अब तुमसे छोटी संख्या पूछ रहा है या बड़ी, छोटी संख्या तो इधर वाली थी, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे, तो 6 ही कम 6 और 6 चौक 24, तो 240 आपका आंसर बन जाएगा, 240 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चले अब देखो 107 कितना सिंपल क्वेश्चन है, 107 कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसने ये कहा है 107 में, यदि 120 एक संख्या का 20% है, 120 जो है ना किसी संख्या का 20% है, 120 किसी संख्या का 20% है, तो 120 20% के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया। आगे क्या बोला फिर इसने, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो तुमसे 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 में किसकी गुणा करके 120 आ सकता है, 6 से गुणा कर दो बस, 20 × 120 क्यों भाई, और 12 × इधर भी, अब जिस बच्चे को नहीं पता ना ये बात, पहले तो वो संख्या निकालेगा, संख्या निकलेगी 100 पे, तो पहले तो वो 5 से गुणा करेगा दोनों तरफ, 20 × 5 = 100, तो 12 × 5 = 60, तो पहले तो 600 निकालेगा, फिर उसका 120 निकालेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 108 पे आ जाएंगे आप, 108 क्या, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% तो 13 ही होगा, क्योंकि संख्या हमने 100 मान ली, तो 100 का 13% 13 ही, और उसी संख्या के कितने परसेंट से, 5% से, तो इसका 5% तो 5 ही होगा, से कितना अधिक है, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, 16 अधिक है, कितना अधिक है, तो मैथ में कम या अधिक का मतलब तो अंतर ही होता है, तो इनमें अंतर कितने का है, 8 का, कितने का अंतर है, तो 8 = 16 हो जाएगा, 8 = कितना हो जाएगा, 16, तो 1 = कितना हो जाएगा, 2। अभी अगर संख्या पूछ रहा तो 100 पे निकाल दो, क्योंकि 100 मान रखी हमने, संख्या लिखी तो नहीं है यहाँ पे, तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये संख्या क्या है, तो 100 से कर दो आप, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे, तो 100 ही कम 100 और 100 × 200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 109 देखो, 109 देखो, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, वो 54 कब हुई, अरे बोलो, वो 54 तब हुई जब उसको 10% कम कर दिया, तो इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है, दिख रहा है चक्कर, तो 90% बराबर आपका 54 हो जाएगा, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, किसे 72 करने की बात कर रहा है, हाँ 54 को नहीं कह रहा, संख्या को कह रहा है, ये किसको कह रहा है, ये संख्या नहीं है, ये तो संख्या से 10% कम है, ये तो संख्या से 10%, बस यही बात आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये 54 को 72 करने को नहीं कह रहा, इसने कहा है तदनुसार उसे, तो उसे कौन, उसे ये संख्या को कह रहा है, किसको कह रहा है, तो आपको पहले संख्या निकालनी होगी, और संख्या परसेंटेज में 100 पे निकलती है, परसेंटेज में कितने पे निकलती है, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, अब बराबर रख रखा हो तो 1 कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, अगर इससे ये पूर्ण डिवाइड है तो सही, और डिवाइड ना, तो इसे उठा के इसके नीचे रख दो, फिर वही 1 कहलाता है, तो ये तो हो गया 1, ये कितना हो गया 1, अब संख्या 100 पे निकलेगी तो गुणा 100, ठीक है, तो 0 से 0, 9 से ये 6 और 10 × 6 कितना हो गया 60, तो संख्या 60 है, और इसको अब 72 करना है, इसको कितना करना है 72, इसको हमको करना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, अब देखो वृद्धि परसेंट पूछे या कमी परसेंट, अंतर बटे उल्टा तुम्हें बता रखा है, तो इनमें अंतर कितने का है 12 का, और अगर वृद्धि परसेंट पूछता है तो बटे में छोटा वाला आता है, बटे में कौन आता है, और अगर कमी परसेंट तो बटे में बड़ा वाला, तो इन दोनों में छोटा कौन है 60, तो बटे में 60 आ जाएगा, बटे में कौन आ जाएगा, तो 12 × 12 और 12 × 5 और 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% की वृद्धि करनी होगी, आ गया होगा सबको समझ, इससे आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 110
जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, 110 पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, 110 पे, जब एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% किसी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, तो घटने के बाद 52% रहने को कह रहा ना, तो 52 घटा दो आप 100 में से, तो 100 में से 52 घटा दो तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 111 पे आ जाएंगे। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, संख्या आप 100 मान लो, संख्या आप कितना मान लो 100 मान लिया हमने संख्या को, और ये कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता, तो इसका 25% तो 25 ही होगा, तो 25 से गुणा कर दो, गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त तो यही हुआ 100 गुणा 25, प्राप्त संख्या उस संख्या से, तो संख्या तो हमने 100 मानी थी, उस संख्या से कितने परसेंट अधिक है। और मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है अंतर, और 100 का 200% 200 ही होगा, ठीक है। अब ये तुमसे संख्या बूझ रहा, संख्या तुमने 100 मानी, बस इसको बचा लो और सबको उधर पहुंचा दो, ठीक। तो करना क्या होगा, 100 गुणा 25, और ये जो 100 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। अब 25 से उसे डिवाइड कर दो, क्योंकि गुणा वाला उधर भाग में जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, तो भाग में जाएगा, तो 25 एकम 25, बच्चे 5 हो गए, 50 25 दुनी 25 एकम 25, और 25 दुनी 50, तो 100 की वैल्यू 12 आ गई, और संख्या बूझ रहा, संख्या हमने 100 ही मानी थी, तो बस यही आंसर, बात समझ में आ गई। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 112 पर। अब 112 में क्या है, 112 में है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, देखो इसमें कैलकुलेशन है, दो इक्वेशन बनेंगी, मैं बना के दिखा रहा हूँ, नोट मत करना क्वेश्चन को। एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग का 80%, पहले भाग का कितने परसेंट 80%, तो 80% क्या होता 80 बटे 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 4 बटे 5 होता है, कितना होता है, तो हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं 4 बटे 5, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से, अब 60% 60 बटे 100, तो 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो 3 बटे 5 होता है 60%, 60% कितना होता है 3 बटे 5 से, कितना अधिक है, तीन अधिक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, 5 एलसीएम ले लो, तो गुणा तो ऊपर होगी ना, दोनों के बटे में 5 और 5 3 इधर हो जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट माइनस 3 सेकेंड, और बराबर 5 दिया, जो हमने 5 एलसीएम लिया था उसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको इक्वेशन एक मान के यहीं छोड़ दो, ठीक। इससे आगे बढ़ो, फिर एक कंडीशन और ऐसे ही इसने दे रखी है, दूसरे भाग का 80% 4 बटे 5 होता है, 4 बटे 5, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से, तो 90 बटे 10 हो जाएगा, 90 बटे 100, तो 9 बटे 10, 90% क्या करोगे आप, 90 बटे 100 करोगे ना, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 9 बटे 10 हो जाएगा, से कितना अधिक है, हाँ 6 अधिक है, मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो उसने अंतर 6 का दे दिया है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ एलसीएम 10 ही तो लेंगे, जब हम यहाँ 10 एलसीएम लेंगे तो 5 दुनी, तो 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 के ऊपर क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो 2 चौक ये 8 सेकंड हो गया, और इधर तो 10 ही है, तो 10 ही कम 10, तो ऊपर तो गुणा किसी की होनी ना है, तो ये ऐसे ही, और एलसीएम हमने 10 लिया था, तो 10 छिंक कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब ये उल्टा लिख रहा है, इसे सीधा लिख लो, पहले फर्स्ट को लिखो, पहले किसको लिखो फर्स्ट को, तो -9 फर्स्ट और +8 सेकंड, प्लस क्या हो जाएगा 8 सेकंड, और बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब तुम्हें फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकाल के उनको जोड़ना पड़ेगा, तब संख्या आएगी। अब या तो फर्स्ट के गुणांक 1 से कर लो, या सेकंड के गुणांक 1 से कर लो, तो देखो यहाँ फर्स्ट का गुणांक 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ सेकंड का 3 है, यहाँ 8, ऐसी कोई संख्या नहीं जो गुणा करके बराबर कर ले, तो आपस में गुणा करनी पड़ेगी, तो आप वहाँ तो 9 से कर दो, यहाँ 4 से कर दो, वहाँ कितने से कर दो 9 से कर दो, तो 9 चौक 36, तो 36 फर्स्ट, और -9 तिया 27 सेकंड, और बराबर 15 निम्मा 135, ठीक है। और इसमें कितने से कर दो 4 से, तो 4 निम 36, 4 निम कितना हो जाएगा 36, और ये 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 छिक
240। अब जिसके गुणांक बराबर करें, अगर उसके चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ते हैं और एक से तो घटाते हैं, तो अलग अलग है, जिसके हमने गुणांक बराबर करें तो देखो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बस यही तो बचेगा। तो 32 में से 27 हटा दो तो 5 कितना बचेगा, 5 ही बचेगा ना, प्लस के हैं तो जुड़ेंगे ये, तो 5 और 4 और 3 7 और 2 और 1 3। अब 5 से इसे कैंसिल कर लो तो 5 सत्ते 35 बचे कितने 2, 5 पंजे 25, तो ये तो सेकंड का मान आ गया। अब इसको कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, सपोज करो 75 की वैल्यू, तो 4 फर्स्ट बराबर 3 गुणा 75, ये है ना यहाँ, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो 4 फर्स्ट और माइनस 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22 और बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 4 फर्स्ट बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 240। अब 4 से इसे डिवाइड कर दो तो 60 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो 5 और 7 और 6 13। तो इस क्वेश्चन को नोट मत करना आप लोग, इक्वेशन बना के वही इक्वेशन सोल्व करनी है, तो ये तो आपको आना चाहिए ऐसे। अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये अनुपात नहीं बराबर है, अनुपात नहीं ये बराबर है, फर्स्ट का कितना है ये 60 और सेकंड का कितना है ये 48 है, सेकंड का कितना है 48 है ये, ठीक है, फर्स्ट का 7 और सेकंड का 48, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, और जब अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाता है, तो 4:5 हो जाएगा। तो ये दोनों नोट हो गए क्वेश्चन तीनों, हाँ, तो इसको तो नोट ही नहीं करना है, पीछे भी ऐसी सोल्व हो रहा है बिल्कुल सेम, ठीक है, हटा दूँ, अरे कर लिए नोट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कहाँ तक पहुँच गए हम, 112 हो गया ना, 113 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, सपोज करो संख्या 100 है, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, तो कितना हो गया ये 110 हो गया, फिर कह रहा है फिर 20% बढ़ाया गया, तो इसका 10% देखो, जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की जीरो हटाते, तो इसका 10% 11 पर हमें तो 20 चाहिए ना, तो डबल कर दो, तो 11 दुनी 22, तो इसका 20% हो जाएगा 22, तो आप इसमें 22 जोड़ दो तो 2, 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया 132 हो गया। तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि परसेंट में अंतर बटे छोटा, वृद्धि परसेंट में क्या निकालते हैं, अंतर बटे छोटा, तो अंतर तो 32 का है और इन दोनों में छोटा कौन है 100, बटे 100 गुणा 100, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 114 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 114, अब 114 में क्या है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, अरे 225 कब प्राप्त हुआ, जब तुमने उसको 25% कम कर दिया, तो ये 75% की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है ये 75% की वैल्यू है। आगे कह रहा उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, अभी करवाया था एक क्वेश्चन, तो संख्या तो 100 पे निकलेगी, तो इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, अरे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 100 बराबर 300, तो संख्या तो 300 है, पर ये इसको कितना करना चाह रहा है 375 करना चाह रहा है, कितना करना चाह रहा है, तो वृद्धि हो रही है, तो कितने की 75 की, अब वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा आता है, और परसेंटेज लाने के लिए कितना करते हैं गुणा 100 करते हैं, ठीक है, तो 0 से तो 0 और इससे ये कितनी बार कट जाएगा तो 25%, ऐसा एक क्वेश्चन आपका हो चुका पहले ही। 115 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है, इसने कहा तीन संख्याएं, कितनी संख्या है, तीन संख्याएं हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसने ये कहा है तीन संख्याएं पहली तथा दूसरी से, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30 और 37 कम है, पहली तो 30% कम है, तो 100 का 30% 30 और कम के लिए घटा दो तो ये तो हो जाएगी 70, और दूसरी कितने परसेंट कम है 37, तो 100 का 37% 37 तो 100 में से 37 घटाओ तो 63 होगी, तो ये संख्याएं आ चुकी हैं हमारे पास। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, तो पहली और दूसरी में कमी परसेंट बूझ रहा है, तो अंतर बटे बड़ा, कमी परसेंट में बटे में बड़ा और वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा आता है, तो अंतर बटे बड़ा, तो इनमें अंतर कितने का है 7 का और बड़ा कौन है 70, ठीक है, तो 1/10 कितना होता है 10%, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 116 पे, 116 में क्या है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, हाँ, दो छात्र
एक परीक्षा में बैठे, उनमें एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए, दो थे उनमें से एक के 22 नंबर ज़्यादा हैं तो दूसरे के 22 कम होंगे, तो उनके नंबरों में अंतर कितने का होगा? 22 का। कम और अधिक का मतलब ही अंतर होता है, तो उनके नंबरों में 22 का अंतर ज़्यादा अंतर है 22 का। अच्छा, जिसने 22 अधिक किए हैं, देखो आगे क्या कह रहा है, और उसके अंक जिसके 22 ज़्यादा हैं उन दोनों के अंकों के योग के 55% हैं। जिसके 22 नंबर ज़्यादा हैं ना, उसके नंबर दोनों के अंकों के योग के 55% हैं, तो दोनों के नंबर को योग मान लो आप, टोटल नंबर मान लो। सपोज करो दोनों के टोटल नंबर 100 थे, कितने थे? तो पहला वाला ए है जिसके 22 नंबर ज़्यादा थे, है ना, पहला वाला ए है जिसके 22 ज़्यादा थे, तो इसके दोनों के नंबरों के योग के 55% आए, तो 100 का 55% तो 55 ही हो जाएगा ना, तो इसके 55 नंबर हैं, 100 में से 55 तो इसके हैं, तो फिर बी के कितने हुए? 45। तो अंतर हमारे पास 22 का है, पहले से अंतर कितने का? 22 का, पर यहाँ अंतर कितने का है? 10 का। तो अंतर बराबर अंतर रख दो, अंतर बराबर क्या रख दो? अंतर, ठीक है। अब ये दोनों के नंबर पूछ रहा है, तो एक के तो 55 और एक के 45 है, तो 55 और 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले आप एक निकालो, तो 10 से तो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो बटे में लिखना पड़ेगा, तो एक बराबर हो जाएगा 22/10, ठीक है। अब ये तुमसे किसके नंबर दोनों के पूछ रहा है, तो पहले के 55 है, तो 55 से गुणा करो, 55 ही काम, इधर भी 55 से गुणा करो, तो 22/10 × 55, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, और 5 से ये 11, और 2 से ये कितनी बार? 11, तो 11 × 11 हम कितने हो जाएंगे? तो पहले के तो 121 हैं, अब दूसरे के कितने? 45, तो 1 वाली लाइन में दोनों तरफ 45 से गुणा करो, कितने से गुणा करोगे? 45 से, तो 45 ही कम 45, तो इधर कितना हो जाएगा? 22/10 × 45, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, और 5 × 45, और 2 से ये कितनी बार? 11, और 11 × 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 121 और 99, ठीक है। इससे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाओ। 117वां क्वेश्चन में क्या है? 117 इसमें बोला गया है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने, अगर 36% नंबर ले आए तो पास हो जाएगा, बस पास होगा, ठीक है। उससे आगे क्या है, उसे 53 अंक मिले, कितने अंक मिले उसे? और वो 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो पास नहीं हुआ, 53 नंबर लेके आया है और वो फेल हो गया है, कितने नंबरों से? 37 से। उसके नंबर कितने आए थे? 53 आए थे, और वो कितने नंबरों से फेल हो गया? अगर हम उसको 37 नंबर दे दें तो वो पास ना हो जाएगा? और परसेंटेज में कितने पे पास है लिख रखा है? 36 पे। परसेंटेज में कितने पे पास है? 36% पे है। और नंबरों में कितने पे पास है? 37 नंबर और दे दो जितने वो लाया है, क्योंकि वो खुद कह रहा कि 53 नंबर आए हैं और 37 से मैं फेल हो गया हूं, तो उसको 37 नंबर अगर और हमने दे दिए तो वो पास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ, चलिएगा। तो भाई अब इसको आप जोड़ लो जरा एक बार, 36% बराबर 7 × 3 = 10, 5 × 3 = 8 और 1 = 9, हाँ, तो 36% बराबर 90 हो गया। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा, पहले ये चेक कर लो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो परसेंटेज में तो अधिकतम 100 पे निकलता है, तो एक की वैल्यू निकाल के 100 निकाल दो, तो 36 से तो ये कैंसिल ना होने का पूर्णतः, तो बटे में लिखो और 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक, ये कितना हो गया? एक, और ये हो गया 100, ये कितना हो गया? 100। अब 9 × 4 = 36, और 9 से ये 10 बार, और 4 से ये 25 बार, तो 25 धाम कितने हो जाएंगे? 250। तो 250 हैं अधिकतम, अधिकतम कितने हैं? 250 हैं। आगे बात समझ, इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 118। अब देखो ये 118 इसके जैसा है, पर मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ तुम्हें अभी, ठीक है। 118 फिर देखो दोबारे से, इसमें क्या है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए, तो उनमें 20 का अंतर है, और जिसने 20 अंक अधिक हासिल किए ना, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 55% है, तो दोनों के अंकों का योग 100 मान लो, टोटल नंबर मान लो, टोटल नंबर आप 100 मान लो, तो पहले वाले के जो हैं टोटल का 55% है, तो 100 का 55 तो 55 ही हो जाएगा, और बी जब इसको 100 में से 55 मिले तो दूसरे को 45 मिलेंगे, तो इनके नंबरों में कितने का अंतर है? 10 का, और किताब के हिसाब से कितने का है? 20 का। हाँ, अब देखो ये कैलकुलेशन आसान है, ये वाली, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये तुम्हें आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड नहीं कर पाया, इसे यहाँ डिवाइड कर रहा है, 1/2 हो गया, 1/2 कितना हो गया? 2 हो गया। अब नंबर पूछ रहा है दोनों के, तो 55 की वैल्यू 55 ही कम 55, और 55 × 2 = 110, और 45 ही कम 45 और 45 × 2 = 90, तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, जबकि दोनों क्वेश्चन है एक ही आधार पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन की भी बात हो जाती है कभी कभी, नोट करो। 119
बिल्कुल 117 के जैसा है। क्यों भाई 117 तुम्हें समझ आया था? तो 119 भी हो जाएगा फिर। 120 ऐसा ही है जैसे 116 और 118 है, ठीक है तो 121 भी ऐसा ही, बस इसमें थोड़े से इसने लैंग्वेज को चेंज किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 121 को। 121 इसमें क्या है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो कम या अधिक का मतलब अंतर ये, तो वही इन दोनों में अंतर 8 का हो गया। उससे आगे क्या बोला, और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती माने होता पहले वाला, तो जो ए है उसका अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है, तो योग दोनों का 100 मान लो। टोटल नंबर कितने मान लो आप, टोटल नंबर जो है आप वो 100 मान लो, कितने मान लो 100 मान लो। तो ए को जो है टोटल का 55% मिला है, तो बी को कितना मिलेगा, 100 में से 55 तो वहाँ गए तो इसे 45 मिलेगा, तो इनमें अंतर कितने का 10 का, और किताब के हिसाब से कितने का 8 का। अच्छा इस बार कुछ और पूछ रहा है पर यहाँ वो ऐसे दोनों के नंबर ना पूछ रहा, तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल कितना, वो तो हमने 100 माना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है इस बार। तो 10 में किसकी गुणा करके 100 आ सकता है, 10 की गुणा करके 100 आ सकता है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, तो 10 धाम 100 और 10 अट्ठे 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ये लीजिए 122 पे आ जाएंगे आप। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहाँ प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं, तो 100-100 नंबर के हैं पाँचों सब्जेक्ट, ठीक है। इससे आगे x ने 4 विषय में क्रम से 122 में क्या है, x ने 4 विषयों में क्रम से 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। ये 4 सब्जेक्ट के अंक हैं, तो इन्हें आप जोड़ लो, तो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18 हासिल एक, तो 9 और 9 18, 18 और 9 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 27 और 8 35, अरे सही जुड़ गया ये। तो ये 4 सब्जेक्टों के नंबर हैं 358, ठीक है। देखो उससे आगे फिर क्या क्या रखा है इसने, यदि कुल अंक 90% थे, उसके कुल अंक कितने थे, और हर सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का था, तो सारे नंबर कितने हो गए 500, तो 500 का 90% आए उसके, 500 के उसके कितने आए हैं, पाँचों सब्जेक्टों में 90% आए उसके पाँचों सब्जेक्टों में, तो ये 0 तो आपके कैंसिल हो गया, 9 पंजे 45, तो उसके पांचों सब्जेक्टों में 450 आए हैं और चारों सब्जेक्टों में 358 आए हैं, तो जो इनका अंतर है वो पांचवे सब्जेक्ट के नंबर हैं, ठीक है। तो घटा लो आप 8 में से 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ 4 हो जाएंगे, है ना, तो 14 में से 5 गया तो 9, तो 92 नंबर आए हैं इसके पांचवे सब्जेक्ट में, ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाओ आप 123 पे आ जाओ, 123 में क्या है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। जब ये वाला क्वेश्चन आए ना, दो जगह परसेंटेज और दो जगह नंबर, तो परसेंटेज का अंतर बराबर नंबर के अंतर से होता है, परसेंटेज का अंतर बराबर नंबर के अंतर से होता है, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है, 4 का, कितने का है। अच्छा अगर एक जगह पास हो और एक जगह फेल हो तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते, दोनों जगह पास है तो घटाएंगे, दोनों जगह फेल है तब भी घटाएंगे, पर एक जगह यहाँ पास होने की बात कर रहा है, एक जगह फेल होने की बात कर रहा है, तो नंबरों में जो अंतर होगा वो जुड़ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर कितना हो जाएगा। अब तुमसे ये कह रहा है उत्तीर्ण अंक कितना है, यूं कह रहा बताओ कितने नंबर पर वो पास होगा। तो अच्छा ये बताओ वो पहले कितने परसेंट नंबर लाया था, पहले कितने परसेंट नंबर लाया, वो 32%, कितने लाया 32%, तो आप उसका 32% निकाल लो, और जब वो 32% नंबर लाया था तो कितने से फेल हो गया था, तो 32% की वैल्यू निकालो और जितने नंबर आए उसमें 6 नंबर और जोड़ देना, उसमें कितने नंबर और जोड़ देना 6 और जोड़ देना, वो पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, तो 32%, तो 32 से गुणा कर दो आप, या एक निकालने की जरूरत भी ना थी, 32 निकालना ना हमें, तो 4 में कितने की गुणा करके 32 आ सकता है 8 की, 4 में कितने गुणा करके 32 आ सकता है 8 की, तो 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64, तो 32% तो 64 नंबर के बराबर हैं, तो जब उसके 64 नंबर आए थे तब वो पास ना हुआ था, कितने नंबर से फेल रह गया था 6 से, 6 नंबर और दे दो उसको तो वो पास हो जाएगा, तो जैसे ही आप इसे 6 नंबर और देंगे तो ये पास हो गया और ये 70 पे पास होगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन 124, क्वेश्चन नंबर 124 देखो इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी पर व्यय वही
स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, तो चीनी पर अपने VM में 1% की वृद्धि कर ली, तो X का मान क्या है? देखो, सपोज करो पहले चीनी का जो मूल्य था 100 रुपये था, कितना था? तो आपके घर में 100 रुपये की चीनी लग रही थी पहले, अब रेट बढ़ गया 25%, तो 100 का 25% 25, तो अब 125 रुपये की चीनी लग रही है। कितने की चीनी लग रही है? 125 की। पर हुआ क्या, चीनी पर VA वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। कितने परसेंट की कमी कर दी? मतलब उपभोग का मतलब होता खर्चा जो वो यूज कर रहा था, चीनी पर VA वही मतलब वही होना चाहिए, तो पहले 100 रुपये खर्च हो रहे तो अब भी 100 ही होने चाहिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है अभी जब रेट बढ़ गए? तो उसके लिए आपको उसका यूज कम करना पड़ेगा। पहले आप जितनी चीनी यूज करते थे वो 100 रुपये की आती थी, तो आपका खर्चा 100 रुपये का था। अब वो ये कह रहा है कि रेट बढ़ गए चीनी के 25%, तो जितने में पहले 100 रुपये में जितनी चीनी आती थी अब उतनी चीनी 125 में आ रही है, और वो कह रहा हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, हमें तो 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो उसका भी एक ही रास्ता है, आपको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। तो उसने खपत 4% कम कर दी। कितने परसेंट कम कर दी? तो इसका 4% निकाल लो और उसे घटा दो, तो इसका 4% निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना जाएगा? 5। तो अब वो 120 रुपये की खपत, कितने की खपत हो रही है? 120 की। तो उनके खर्चे में कितने वृद्धि हो जाएगी यहाँ? तो अंतर बटे छोटा, तो 20/100 × 100, ठीक है। 125 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में क्या है? पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। देखो, सपोज करो पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपये थी, कितनी थी? 100 रुपये, और अब कितनी होगी है? 128 हो गई है। कितनी होगी है? 128। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाह रहा है, पहले उसके 100 रुपये खर्च हो रहे थे और रेट बढ़ने की वजह से अब 128 होंगे, पर वो यूँ कह रहा ना मुझे बस 22% खर्च बढ़ाना है, तो 100 का 22% 22, तो अब वो यूँ कह रहा मुझे 122 रुपये खर्च करने हैं बस। कितने रुपये खर्च करने हैं? 122, पर रेट के अकॉर्डिंग तो 128 होंगे, है ना, तो पर उसे इतना करना तो खपत कम करनी पड़ेगी। तो इसका अंतर देख लो बस, अब अंतर कितने का इनमें? 6 का, और वृद्धि बुझ रहा है या कमी ये देख लो बस। तो उसे अपने खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो कमी परसेंट में बटे में बड़ा वाला आता है, तो बड़ा कौन है इन दोनों में? 128 है, 128 है, ठीक है। तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो 100 से गुणा कर लो आप इसमें परसेंटेज लाने के लिए, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, और 4 से ये कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, ठीक है। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 16, तो 25 × 3 = 75/16 हो जाएगा। 75 बटे कितना हो रहा है, पॉइंटों में या सही भिन्न में? पॉइंटों में, तो 16 × 5 = 80, हाँ 16 × 5 कितने हो गए? 80, तो बचे कितने आपके? ये तो 75 ही, पर 16 × 4 = 64, तो कितने बच जाएंगे आपके? 11 बच गए, तो कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे, हाँ 16 × 6 = 96, 16 × 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 16 × 6 = 96। अब ऑप्शन मैच कर लो इसका, 125 का, तो 4.1 तो 7 वाला है और 1 9 वाला है, तो 7 वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 7 वाला, तो लगभग में 4.7 आ जाएगा। लगभग में कितना आ जाएगा? 4.7 आ जाएगा। 126 पे आ जाओ, ये सारे एक से हैं, इन्हें एक साथ ही ख़त्म कर दो। 126 में क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाए, सपोज करो पहले चीनी 100 रुपये की थी तो अब 117 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 117 रुपये की हो जाएगी, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% वृद्धि करना चाह रहा, वो रेट तो ज़्यादा बढ़ गया, वो कह रहा ना मैं बस 5% बढ़ा सकता हूँ, तो पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे तो 100 का 5% 5, तो अब कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी परसेंट बुझ रहा, तो अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे बड़ा, तो इनमें अंतर कितने का है? 12 का, और बड़ा कौन है इनमें? 117, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। पॉइंटों में या सही भिन्न में? पॉइंटों में ही है, तो वही कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो कटेगा भी 13 से या 9 से, 3 से भी कट जाएगा फिर तो, क्योंकि 3 × 3 = 9 बच्चे 2 हो गए 27, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 बचे 2, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये कटेगा ना, तो 400/39, 400/39, अब 39 से इसे भाग कर लो आप, तो 39 ही कम 39 बचा कितना? 1 हो गए 10, तो 10 पे तो चलेगा ना पॉइंट, तो पहले यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, तो 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसके ऑप्शन चेक कर लो आप, 10 के पॉइंट में आएगा। देखो यहाँ तुम देख लेना, यहाँ मैं 0 क्यों लगा रहा हूँ घर बैठ के आराम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1 बचा था, तो 10 तो ये, 0.5 लगा के 0 तो 100 हो गया, हाँ। अब 13 × 7 कितने होते हैं? आज पर 39 पे जा रहे हैं ना हम, तो 39 × 3 कितने हो जाएंगे? 3 × 9 = 27, और 3 × 3 = 9 और 2 गया तो ज़्यादा हो जाएंगे, और हमारे तो 111 बैठ रहा था, पर आगे पॉइंटों में भी जाएगा, तो लगभग में चेक कर लो इसको,
ये सारे लगभग में ही आएंगे, तो 10.3 आ जाएगा लगभग में, 10.3 कितना आ जाएगा 3, तो ये पूरे पूरे तो आएंगे ना आंसर, ये और भी ऐसा कोई, चलो इन्हें नोट कर लो आप।